चैनल विभाति क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मॉनसून हेयर केयर वीडियो, जिसमें जो मॉनसून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इससे पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है मॉनसून के रेनी सीजन के ऊपर कि आपके हेयर फॉल को अपने कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं मॉनसून से रिलेटेड आप हेयर फॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी जो डैंड्रफ है डैंड्रफ भी रिमूव हो जाएंगे, साथ ही आपकी हेयर की रीग्रोथ होगी, जो नए बाल आएंगे, और आपकी जो स्कैल्प है स्कैल्प भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। ये जो रेमेडी है ये आपके घर में हमेशा अवेलेबल होती है। इसे हम बनाने वाले हैं अदरक से और कड़ी पत्ता से, कड़ी पत्ता जो कड़ी में डालते हैं उससे बनाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जो अदरक है, अदरक आप जानते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, आपके जो स्कैल्प है स्कैल्प को बिल्कुल अच्छा क्लीन कर देता है, और डैंड्रफ जो है आपके सारे जो डैंड्रफ होता है डैंड्रफ को भी क्लीन कर देता है, रिमूव कर देता है, साथ ही आपके जो रीग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखते हैं ये रेमेडी कैसे बनानी है, ये पैक कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, ये मैजिकल रिंस वाटर बनाने के लिए हमें चाहिए करी लीव्स। ये बहुत सारे करी लीव्स हैं, करी पत्ता जो होता है कड़ी में हम डाल के जो खाते हैं, इसको अच्छे से धो के रखा है मैंने सारे पत्ते इसके लेने, ये सारे हमने डालने हैं। और ये अदरक लिया है मैंने, ये 1.5 से 2 इंच बड़ा अदरक का टुकड़ा है, ये इसे छील के उसके बाद काट के इसमें डालेंगे। पहले सारे पत्ते डाल देते हैं, आपको ये पता ही है करी के पत्ते हैं कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके हेयर के लिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, करी लीव्स ऑयल बना रखा है, आप ज़रूर जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा, आई बटन में लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा। करी लीव्स जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और साथ ही इसका जो ऑयल है, करी लीव्स का जो ऑयल है, ये आपके बालों को काला भी बनाता है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जो आपके वाइटेज ग्रेश हेयर होते हैं इसके रेगुलर यूज़ से आपके जो बाल हैं वो काले होने स्टार्ट हो जाते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, उसका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही जो अदरक है, ये अदरक आपके हेयर फॉल के लिए और जो डैंड्रफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, साथ ही ये अदरक जो है आपकी हेयर की रीग्रोथ भी बहुत अच्छे से करता है, रीग्रोथ जहाँ आपके बाल नहीं हैं वहाँ पे भी नए बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सबको हम डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा जो करी लीव्स था वो डाल दिया है तोड़ के, अब इसमें हम जो अदरक है वो छील के धो के रखा था मैंने, इसको कट कट करके हम छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे, जिससे कि इसका जो तत्व जो बेनिफिट्स हैं इसके सारे पानी के अंदर आ जाएंगे। और इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे, अब हम इसे बॉईल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है मीडियम फ्लेम पे, आपने इसे 10 से 12 मिनट तक बॉईल करना है, जिससे कि इसका जो सारा बेनिफिट है पानी में आ जाए और पानी का जो कलर है वो भी थोड़ा चेंज हो जाए। फ्रेंड्स देखिए, अब ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, और धीरे धीरे देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है, पानी का कलर ये ज़्यादा हल्का सा येलोइश कलर में आ गया है। अभी इसे और बॉईल करेंगे, थोड़ा और बॉईल करेंगे, और जब कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा तब तक इसे बॉईल करना है हमने। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल तैयार हो गया है, और कलर भी कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, जो गैस की फ्लेम है मैंने ऑफ कर दी है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब ठंडा हो जाएगा तब पानी को अलग कर लेंगे, छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये ठंडा हो गया है, इसको मैं छान लेती हूँ। देखिए छान लिया है, और इसका कलर देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, बिल्कुल पहले पानी कैसा था और अब देखिए कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया। सारे इसमें बेनिफिट्स हैं, जो करी लीव्स है और अदरक है, दोनों के दोनों सारे इसमें बेनिफिट्स आ गए हैं पानी में। ये ठंडा हो गया है, इसे मैं स्प्रे बॉटल में डाल के आपको लगा के दिखाती हूँ, या तो आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं हाथों से। देखिए मैं स्प्रे बॉटल में डाल रही हूँ,
अगर आपके पास स्प्रे बॉटल ना हो तो मैंने उसके लिए भी एक चीज़ बताया है कि आप घर में कोई भी बॉटल हो, कोई भी आपके पास वेस्ट बॉटल हो, उसका कैप लें। कैप में आप 2 से 3 निडल से छेद कर दें, उससे भी आप स्प्रे बॉटल की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में भी बता रखा है कैसे उस बॉटल को बनाना है, छेद करना है, और उस बॉटल से मैंने यूज़ भी किया है स्प्रे की तरह। तो आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं मेरे, उसमें मैंने बता रखा है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस बॉटल में डाल दिया, स्प्रे बॉटल में। इसको हम लगाएंगे। लगाने के बाद इसे 5 मिनट तक आपको मसाज भी करना है। इसको अच्छे से स्कैल्प में लगा लें, स्कैल्प में, रूट्स में, जिससे कि आपके जो रूट्स हैं सब इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर लगा के इसे मसाज करेंगे, हेयर पे भी लगाना है पूरा। स्प्रे से तो लगा लिया है मैंने, लेकिन जो बॉटल है इसको खोल दिया मैंने। इसे हाथ से भी लगा सकते हैं, जिसके पास स्प्रे बॉटल नहीं है उसको हाथ से भी लगा सकते हैं इसे। फ्रेंड्स मैंने लगा लिया है, इसे बस 5 मिनट मसाज करना है, 5 मिनट मसाज करना है। मैंने मसाज भी कर लिया है 5 मिनट तक। उसके बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे छोड़ना है। उसके बाद पानी से, खाली नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। कोई भी आपको शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी कंडीशनर या शैम्पू, कुछ भी यूज़ ना करें, खाली नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। बेशक आप नेक्स्ट डे या जब भी आपका मन चाहे नेक्स्ट डे आप शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपने ये लगाना है उस दिन आपने सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश करना है। ये रेमेडी आप हफ्ते में 3 दिन यूज़ कर सकते हैं, या तो हफ्ते में 1 दिन भी यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हेयर की कितनी प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है। हेयर की, हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। फ्रेंड्स आपने देख लिया, ये जो मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश किया है, आप देख सकते हैं मेरे बाल बिल्कुल मुझे सॉफ्ट सा फील हो रहा है और बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। जो स्कैल्प होता है बिल्कुल क्लीन है मेरा। अब मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो नहीं है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल भी बिल्कुल दूर हो जाता है इससे। आपने इसे नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना है, 20 मिनट रख के इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। और हफ्ते में आप इसे 3 बार यूज़ कर सकते हैं, 3 बार ज़रूर यूज़ करें और देखें कि आपके इस हेयर पे क्या रिजल्ट आएगा। आपका जो हेयर फॉल है बहुत ही जल्दी रुक जाएगा। आप फर्स्ट यूज़ में ही देखेंगे कि आपके हेयर फॉल कितना ज़्यादा कंट्रोल हो गया है, साथ ही आपके हेयर रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा और जो डैंड्रफ है, डैंड्रफ भी बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि इसका बेनिफिट उनको भी मिल पाए। और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपके इस हेयर पे इसका रिजल्ट क्या आया है। और अगर कोई क्वेरीज है वो भी पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, मैं किसी और वीडियो में मिलती हूँ किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।